तूने मीठा बोलना कहां से सी। बुजुर्ग का व्यक्ति रीत जाता शिव तत्व कह रहा। विष्णु दास और चोल राजा दोनों शिव की आराधना, दोनों नारायण की आराधना कर रहे हैं, इनमें कोई भेद नहीं मानते वो। आज चोल राजा ने भगवान शंकर के मंदिर में और नारायण के मंदिर में हीरा मोती सोना चांदी चढ़ा दिया। थोड़ी देर बाद में विष्णु दास आया। विष्णु दास ने अपने पास रखी हुई वस्तु बेलपत्र तुलसी का दल, बेलपत्र शंकर को चढ़ाया, तुलसी दल नारायण को चढ़ाया। चढ़ाते से जो सामग्री हीरा पन्ना मोनिक मोती रखे थे वो सारे के सारे ढक गए, वो सब के सब ढक गए। अब जैसे ही सारा के सारा सामान ढका, सारी की सारी सामग्री ढक गई, चोल राजा भगवान का दर्शन कर बाहर निकला और फिर अंदर किसी कार्य से गया और भगवान का जो दर्शन करा तो नारायण के चरणों में पड़ा। सोना चांदी हीरा पन्ना सब तुलसी के दल से ढका हुआ था। चोल राजा को बड़ा गुस्सा आया, पहुंच गया शंकर के मंदिर में। शिव के मंदिर में जाकर चोल राजा ने देखा तो वहां पर भी जो मैंने हीरा पन्ना चढ़ाया था वो बेलपत्री से ढका हुआ था। कोई अपनी थाली में 56 भोग लगाकर शंकर को लगाए, लगाने दो। कोई अपनी थाली में हीरा पन्ना लाकर शंकर को चढ़ाए, चढ़ाने दो। पर आप किसी से कर्जा कर नहीं, किसी का धन लेकर नहीं, किसी का दिल दुखा कर नहीं। शिवपुराण कहती आपके पास में अगर चंदन है तो चढ़ा दो, चंदन की भी अपनी सामर्थ्यता नहीं हो तो कहीं भस्म मिल जाए राख, वो भस्म भी अगर शंकर को चढ़ाओगे तो चंदन से प्रबल है भस्म। प्रीता है भगवान को, प्रीता। कई लोग कहते हैं भगवान गुरुजी हम शंकर जी को क्या चढ़ाए, हमने कहा जल चढ़ाओ, तो क्या जल लेने के लिए घर जाना पड़ता है, तो फिर हमारे पास तो वो भी लेने के लिए घर पर से हमारे पास पात्र नहीं, हम क्या करें। हमने कहा शंकर के मंदिर चली जा, 3 बार ताली बजा दे। उसने कहा ताली भी नहीं बजाए तो, हमने कहा मुख से बम बम बोले बोल दे उतना ही बहुत, वो भी ना बने तो मुस्कुराकर शिव को निहार लो, मुस्कुराकर शंकर को निहार। और कभी हम तो यहां तक कहेंगे कि अगर नहीं चंदन नहीं, अगर नहीं तगर, कुछ भी नहीं है, आपसे भी निवेदन है लक्ष्मी की पूजन करो, तुम्हारे पास में सब सामान हो चढ़ा दो, कुछ है नहीं है माता को समर्पित कर दो, तुम्हारा दिल जैसा करे, तुम्हारे घर की जो रीति हो उसके अनुसार माता को चढ़ाओ, प्रेम से समर्पित करो। नहीं है तो हाथ जोड़कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ ये पीले चावल यही लाल पुष्प है, ये पीले चावल यही मेरा सब कुछ है, माँ मैं तुझे समर्पित करती हूँ। और विश्वास के साथ कहती हूँ माँ अगर कुबेरेश्वर बाबा आपको मेरे घर में नारायण के साथ भेजे हैं तो मेरा विश्वास है माँ आप मेरे घर में रहना और ऐसी संपदा देना कि आने वाले वर्ष में मैं भी हीरे पन्ने से तेरी पूजन कर सकूं, ऐसी कृपा करना, वो कृपा करना तेरी। अब हमारी आदत क्या हो गई, मार्केट में छीता फल बिक रहा है, मार्केट में गन्ना बिक रहा है, मार्केट में बहुत सारी पूजन की सामग्री बिक रही है। हमारे मन में आया हमने किसी को खरीदते हुए देखा था छीता फल, मतलब लक्ष्मी जी को छीता फल भी चढ़ाना चाहिए, हमने उसको खरीदते हुए गन्ना देखा मतलब गन्ना भी चढ़ाना चाहिए, लक्ष्मी जी को मैंने खरीदते हुए ये देखा मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए, लक्ष्मी जी को मैंने चढ़ाते हुए लोगों से सोने के सिक्के देखे मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए, मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाते हुए चांदी के सिक्के देखे मतलब ये भी चढ़ाना चाहिए, मैंने लक्ष्मी जी को चढ़ाने के लिए ये देखा वो भी चढ़ाना चाहिए। घर में सामर्थ्यता नहीं है और कर्जा कर तुम सामान लेकर माता लक्ष्मी को चढ़ाओ, लक्ष्मी जी कभी प्रसन्न नहीं होगी। लक्ष्मी कहती है कि तेरे दिल से तू मुझे जैसा रिझा सकता है वैसे रिझाना, अगर तू केवल दीप लगा देगा ना उतने में मैं भी खुश हो जाऊंगी और तेरा भंडार भर कर चलूंगा, भंडार भर। कई लोग कहते गुरु जी आपकी दीपावली पूजन बिल्कुल सरल है, एक सिक्का रखना है थाली में, पूजन धनतेरस से चालू करा, रूप 14 पर करी, रूप 14 से करी, दीपावली पर पूज लिया और मालूम पड़ा फिर आ गया गोवर्धन पूजन, दीपावली का दूसरा दिन, खजाने का दिन, पड़वा का दिन, उस दिन फिर पूजन का विधान। तो हमारा शास्त्र कहता है दूसरे दिन जब पूजन करो
पांटा जैसा कि लगा कि लगा रहने दो, जैसा कपड़ा बिछा बिछा रहने दो, जैसी थाली रखी वैसे रखे रहने दो। और गोवर्धन पूजन वाले दिन भगवान गोवर्धन नाथ जी का नाम लेकर माता लक्ष्मी का स्मरण कर फिर दो दिए लगाना है। दो दीप अब की बार तेल का दीप नहीं आएगा, दोनों दिए घी के लगेंगे और दोनों ओर लगेंगे, लक्ष्मी जी के सीधे हाथ पर भी और उल्टे हाथ पर भी। घी का दिया लगा दो, अखंड नहीं लगेगा, थोड़ी देर के लिए लगाना है। और लगाकर उन्हीं दीप को लगाकर माता की पूजन कर लो। गोवर्धन पूजन वाले दिन, पड़वा के दिन जैसी पूजन रोज करी वैसी की वैसी चंदन रोली मोली हल्दी जो भी है वो चढ़ाकर पूजन करो। केवल एक कमल गट्टा, एक हल्दी की गठान और एक कमरबेल का टुकड़ा समर्पित कर भाव से प्रेम से भोग लगाकर आरती कर लो। वही दो दिए से जो रखे हैं उन्हीं दो दिए से आरती कर लीजिए और माता को प्रार्थना कर अपने घर में रखिए। फिर माता का स्मरण कर झोली पसार कर प्रणाम करो, माँ तू कृपा करने वाली। ये सारी पूजन जितने दिन की कर रहे हो सब शाम के समय करिए, प्रदोष काल में शाम के समय। दीपावली पूजन का मुहूर्त देख लो, रात का हो तो रात का समय देखकर आराम से करो, पर बाकी की जितनी पूजन चार दिन की सब प्रदोष काल में कर, सब प्रदोष काल। और माँ से प्रार्थना कर माता को नमन कर भाव से निवेदन कर, और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बीच उड़ती जावांगी बाबा। डो केवल वर्ष में एक दिन वैकुंठ चतुर्दशी का दिन ऐसा होता है, रात्रि को 12 बजे से सुबह 4 बजे के बीच में शंकर भगवान पर तुलसी और ठाकुर जी को बेलपत्र समर्पित होती है। वो बेलपत्र और तुलसी को उठाकर शहद की शीशी में रखा जाता है, शहद की शीशी में उसको रखकर जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, बुद्धि में कमजोर हो, जिसकी चंचल वृत्ति हो या मन पढ़ाई में स्थिर नहीं हो रहा हो, उसको एक महीने तक वो शहद चटाया जाता है। एक महीने से ज्यादा नहीं चटाना है,